सालों पहले जब यह तस्वीर खींची गई होगी और दुनिया ने इस तस्वीर को देखा होगा, तब शायद ही किसी ने राजीव गांधी के पीछे खड़ी इस लड़की के बारे में जानने की इच्छा जताई हो। लेकिन आज सालों बाद यही लड़की न केवल पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, बल्कि कांग्रेस की छत्रछाया से निकलकर 13 साल में अपनी पार्टी को मजबूत ताकत के रूप में स्थापित किया और सत्ता भी दिलाई। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक सामान्य परिवार में जन्मी ममता ने सूबे की मुखिया तक का सफर तय किया और कई बार वो प्रधानमंत्री पद की ठोस दावेदार के तौर पर भी देखी जाती रही। वो बंगाल की सबसे युवा सांसद और देश की पहली महिला रेल मंत्री भी रही। साथ ही साथ वो केंद्र में कोयला, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, युवा मामलों और खेल एवं महिला और बाल विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी। साल 2012 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया था। एक वक्त था जब वो राजीव गांधी की सहयोगी भी रहीं। वाम मोर्चा सरकार को मात देने का कीर्तिमान भी उन्हीं के नाम दर्ज है। कोलकाता के कालीघाट से मुख्यमंत्री कार्यालय तक का सफर लंबा भी था और संघर्ष भरा भी रहा। ममता के इस सफर के बारे में जानने से पहले ममता से जुड़े उन सवालों के जवाब जानना जरूरी है जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला यह कि ममता बनर्जी ने क्या कभी शादी की और आखिर ममता हमेशा सफेद साड़ी क्यों पहनती हैं? ममता बनर्जी एक जिद्दी, विद्रोही और मजबूत इरादों वाली जुझारू नेता रहीं। उन्होंने हमेशा समाज के शोषित तबके के हक के लिए लड़ाई लड़ी और इसी को ही जीवन का मकसद माना। ममता इस मकसद के लिए अपने संघर्ष में कोई बंधन नहीं चाहती थी जो उनके इस काम में बाधा डाले, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। ममता के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो सामाजिक परंपराओं की विरोधी भी नहीं है। इसे भी ममता द्वारा शादी नहीं करने की वजह माना जाता है। रही बात सफेद साड़ी पहनने की वजह की, तो बता दें कि जब ममता बनर्जी महज 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। इस वक्त उनका परिवार गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। ऐसे में ममता बनर्जी का कपड़े खरीदने और इकट्ठा करने का शौक उसी वक्त खत्म हो गया। ममता को सादगी पसंद है, यही वजह है कि वो हमेशा सफेद सूती साड़ी में ही दिखती हैं। सूबे का मुखिया बनने के बाद भी उनका रहन सहन और पहनावा बिल्कुल भी नहीं बदला। कोलकाता के कालीघाट में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी ममता ने दक्षिण कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स करने के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद श्री शिक्षयातन कॉलेज से बीएड की डिग्री, फिर कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। साल 1976 में 21 साल की उम्र में ममता बनर्जी ने अपना सियासी सफर शुरू किया। उन्होंने महिला कांग्रेस महासचिव पद से अपने करियर की शुरुआत की। साल 1978 में वो कलकत्ता दक्षिण की जिला कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी बनी। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें जादवपुर सीट से सीपीएम के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ मैदान में उतारा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बने माहौल की मदद से वो पहली बार सांसद बनी। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान वो युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बनाई गईं। लेकिन साल 1989 में वो लोकसभा चुनाव हार गईं। साल 1991 में लोकसभा चुनाव में जीत कर उन्होंने एक बार फिर वापसी की और नरसिम्हा राव सरकार में युवा कल्याण और खेल मंत्री बनी। लेकिन करीब 2 साल बाद ममता ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद सरकार की नीतियों के खिलाफ कोलकाता में बड़ी रैली की। ममता का कहना था कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम के अत्याचार के शिकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वो काम करना चाहती हैं। ममता का यह बागी स्वभाव उनकी सफलता की वजह रहा, तो इसका कई दफे उन्हें खामियाजा भी उठाना पड़ा। लेकिन ममता ने कभी खुद को नहीं बदला और उसी तेवर के साथ काम किया। साल 1998 में उन्होंने अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर सीपीएम के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया और खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई। जल्द ही उन्होंने कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल के ओहदे से हटा दिया और 13 साल बाद साल 2011 के विधानसभा चुनाव में करीब 3 दशक पुरानी वाम मोर्चा सरकार को पश्चिम बंगाल की सत्ता से बेदखल कर तृणमूल कांग्रेस को स्थापित कर दिया। इस बीच वो साल 1998 से 2001 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सहयोगी भी रही और वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री भी बनी। बतौर रेल मंत्री ममता बनर्जी ने उल्लेखनीय काम किए। रेलवे के नवीनीकरण, एक्सप्रेस ट्रेनों में सर्विसेज बढ़ाने और IRCTC की स्थापना के अलावा बंगाल के लिए नई ट्रेनों और कई परियोजनाएं शुरू करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। साल 2001 में तहलका कांड में एनडीए सरकार के घिरने के बाद ममता बनर्जी तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के इस्तीफे की मांग पर अड़ गईं और रेल मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया। इसी साल 2001 में ममता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हाथ मिलाया।
इसके बाद वाम मोर्चे के खिलाफ महाजोत यानी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के गठजोड़ को लेकर प्रणब मुखर्जी के विरोध की वजह से वो दोबारा जनवरी 2004 में एनडीए में शामिल हो गई और कोयला मंत्री बनी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ममता ने एनडीए से एक दफे फिर नाता तोड़ा और कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल हो गई। साल 2005 में ममता ने पश्चिम बंगाल की बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार के भूमि अधिग्रहण के फैसले का विरोध शुरू किया। दरअसल टाटा समूह यहां अपनी लकटकियाकार नैनो की परियोजना लगाने जा रहा था। इसके लिए करीब 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन तभी ममता बनर्जी ने जमीन लौटाने की मांग शुरू की, जिसने आंदोलन का रूप ले लिया। मजबूरन टाटा को अपनी फैक्ट्री समेटकर गुजरात के सांणंद जाना पड़ा। इस आंदोलन के बूते ममता बनर्जी ने भारी जन समर्थन हासिल किया। मां माटी और मानुष के नारे के साथ ममता ने साल 2011 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद साल 2016 में भी उन्होंने सबसे ज्यादा सीट जीतने के साथ सत्ता में वापसी की। पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद उन्होंने सितंबर 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को उन्होंने पश्चिम बंगाल में फीका कर दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ममता ने अपना जलवा बरकरार रखा। ममता एक लीडर के साथ साथ लेखक, कवि और चित्रकार भी हैं। ममता के आलोचक उन्हें सनकी और तानाशाह भी कहते हैं। उनके ऊपर भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने के आरोप भी लगे। बीजेपी उन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर मौका परस्ती और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती है।